जैसे कि आपने समझा कि इनबाउंड मार्केटिंग में और आउटबाउंड मार्केटिंग में क्या फ़र्क है, तो बेसिकली अब सवाल ये है कि इसका SEO से क्या ताल्लुक है या SEO का इनबाउंड से क्या ताल्लुक है। तो बेसिकली जब हम बात करते हैं कि ये पुल मार्केटिंग है, यानी कि लोग इन्फॉर्मेशन पुल करते हैं, वो कैसे कर सकेंगे? आमतौर पर ऑफलाइन वर्ल्ड में क्या होता है, लोग जाके किसी से पूछेंगे कि भाई मुझे इंश्योरेंस लेनी है, मैं कौन सी इंश्योरेंस लूँ, या किसी बड़े से मशवरा करेंगे या किसी दोस्त से पूछेंगे। तो ये चैनल्स तब वैलिड थे जब इंटरनेट नहीं था। इंटरनेट आने से वो जो सर्च थी वो डिजिटल चली गई। अब लोग जाके गूगल में सर्च करते हैं कि मुझे इंश्योरेंस लेनी है तो मैं कौन सी लूँ, विच इंश्योरेंस इज़ बेटर, हाउ टू बाय इंश्योरेंस, वेयर टू बाय इंश्योरेंस, या कंपेयर करते हैं कि कौन सी इंश्योरेंस कंपनी बेहतर है, कौन सी नहीं है, रीड करते हैं, सर्च करते हैं। सो इस सब में जो ये पॉसिबिलिटी क्यों हो सकी, ये गूगल की वजह से या सर्च इंजन्स की वजह से हो सकी, क्योंकि अब लोग इन्फॉर्मेशन पुल करते हैं। सो अगर आप इंश्योरेंस कंपनी हैं या उनके लिए आप मार्केटिंग कर रहे हैं, अब आपका कस्टमर आपसे इन्फॉर्मेशन मांग रहा है, वो इन्फॉर्मेशन जो उसको कहीं और नहीं मिल रही, तो वो ये पूछ रहा है कि इंश्योरेंस क्या होती है। बड़ा सिंपल सा सवाल है। और अगर आपको लगेगा कि ये भाई ये तो पूछ रहे इंश्योरेंस क्या होती है, उसको मैं क्या बेचूँ, इसने थोड़ी ख़रीदनी है, वो अभी नहीं ख़रीदेगा लेकिन वो कभी तो ख़रीदेगा। तो अगर आप उसको उस बात का जवाब नहीं देंगे तो कोई और कंपनी देगी, और जब वो देगी तो जब वो रेडी होगा ख़रीदने के लिए वो उसी से ख़रीदेगा। तो कभी भी 100% ऑडियंस आपकी रेडी नहीं होती बाय करने के लिए। आपने देखना होता है कि कौन सा रेडी बंदा रेडी है और कौन सा नहीं है। लेकिन इस सब में जो इम्पोर्टेंट बात ये है कि वो लोग सर्च करेंगे, और सर्च करते हुए जब लोग आप तक आएंगे तो आप सर्च इंजन में कैसे उनको मिलेंगे। जी, तो बेसिकली आप खुद ही समझ गए कि जब सर्च लोग करेंगे और आपने गूगल में रैंक करना है या आपने सर्च इंजन में रैंक करना है, तो आपको SEO चाहिए। तो जो पहला फेज़ है अट्रैक्ट करने का, वो यही कहता है कि आप लोगों को अट्रैक्ट करें। अब आप उन लोगों को अट्रैक्ट करेंगे, अगर आप आउटबाउंड से अट्रैक्ट करना चाहते हैं आप ऐड दिखाएंगे, लेकिन जो लोग खुद ढूंढ रहे हैं, जो लोग रेडी बैठे हैं, जो इस माइंडसेट से बैठे हैं कि भाई मुझे ये दिखाओ, मुझे ये चाहिए, तो बेसिकली आप उनके लिए SEO करते हैं। और SEO आगे चल के इनबाउंड मार्केटिंग बेसिकली उसकी बेस बनती है। और अगर आपने इनबाउंड मार्केटिंग करनी है तो आपको SEO समझना ज़रूरी है। सो ये वो लिंक था जो मैं चाह रहा था कि मैं आपको एक्सप्लेन कर दूँ कि SEO को सिर्फ SEO के तौर पर मत देखें। बेसिकली आपको ग्रो करना है तो आप जब SEO समझ जाएंगे तो आप आगे भी ग्रो कर सकते हैं। लेकिन आपको ये पता होना चाहिए कि अगर आप किसी कंपनी के साथ एज एन SEO कंसल्टेंट या SEO एक्सपर्ट काम करेंगे तो उसकी अप्रोच क्या होगी। वो बेसिकली पूरे फनल को देख रहा होगा, और ये फनल बेसिकली उसके लिए बिजनेस के लिए इंपॉर्टेंट है। आप सिर्फ SEO करेंगे लेकिन वो सब कुछ करना चाहेगा। अगर आपको ये नहीं पता होगा कि SEO उस फनल के साथ या उस मार्केटिंग वो पूरे प्रोसेस के साथ कैसे लिंक करती है, तो आपको SEO की समझ नहीं आएगी। तो ये अंडरस्टैंड करना ज़रूरी था, और आई होप कि आपको समझ आई है।